सर आपकी खसूसी तवज्जो, आप सब दोस्तों की, गरीबुल वतन की वसीयत, गरीबुल वतन की वसीयत, बनी असद के शरीफ लोगों, मैं एक गरीबुल वतन मुसाफिर तुम्हारी बस्ती के पास खैमे लगा चुका हूं। बनी असद के शरीफ लोगों, मैं एक गरीबुल वतन मुसाफिर तुम्हारी बस्ती के पास खैमे लगा चुका हूं। मैं 8 दिन तक यहीं रहूंगा, तुम 8वें रोज शाम के वक्त इस तरफ आके देख लेना। अगर तुम इस दश्ते बेअमां में कटी फटी सर बुरीदा लाशों के टुकड़े देखो तो दफन करके रजाओ खुशनूदी रिसालत मुआब लेना, खुदा से अजरो सवाब लेना। मैं 8 दिन तक यहीं रहूंगा, मैं 8 दिन तक यहीं रहूंगा, तुम 8वें रोज शाम के वक्त इस तरफ आके देख लेना। अगर तुम इस दश्ते बेअमां में कटी फटी सर बुरीदा लाशों के टुकड़े देखो तो दफन करके रजाओ खुशनूदी रिसालत मुआब लेना, खुदा से अजर सवाब लेना। बनी असद की हिजाब में बैठी बीबियों, तुम अगर ये देखो कि वक्त के हुक्मरान की दहशत से, खौफ से मर्द घर से बाहर निकल ना पाए तो तुम जरा देर को निकलकर हमारी लाशों को रेत के सर बुलंद टीलों से डांप लेना। बनी असद की हिजाब में बैठी बीबियों, तुम अगर ये देखो कि वक्त के हुक्मरान की दहशत से, खौफ से मर्द घर से बाहर निकल ना पाए तो तुम जरा देर को निकलकर हमारी लाशों को रेत के सर बुलंद टीलों से ढांप देना। बनी असद के दुलारे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप खौफ और दहशत से घर से बाहर निकल ना पाए तो ऐसा करना कि खेलते खेलते निकलकर हमारी लाशों के पास आना और अपने हाथों में रेत भरकर हमारी लाशों पे डाल देना, मेरी सकीना दुआएं देगी।